हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। ये ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से किया गया है। ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले हैं। अगर सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक कुल 68 सीटों में से बीजेपी को 37 से 45 सीट मिलने का अनुमान है, यानी कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस को 21 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 0 से 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनने के 46% चांस हैं, कांग्रेस के 36%, आम आदमी पार्टी के 8%, अन्य के 2%। त्रिशंकु विधानसभा के 3% और 5% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 34%, आम आदमी पार्टी को 10% और अन्य को 11% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लोगों से जब सीएम की पसंद के बारे में पूछा गया तो 32% लोगों ने जयराम ठाकुर, 20% लोगों ने अनुराग ठाकुर, प्रतिभा सिंह को 15% ने, मुकेश अग्निहोत्री को 5% लोगों ने और आप उम्मीदवार को 9% लोगों ने सीएम की पसंद बताया। सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि 45% लोगों ने कहा कि वो मौजूदा सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं। वहीं 33% लोगों ने कहा नाराज हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते, जबकि 22% लोगों ने कहा ना नाराज हैं और ना कोई बदलाव चाहते हैं। राज्य सरकार का कामकाज कैसा रहा, जब ये सवाल लोगों से पूछा गया तो 33% लोगों ने कहा अच्छा रहा, 30% लोगों ने औसत और 37% लोगों ने खराब बताया। चुनावी मुद्दों की बात करें तो सबसे ज्यादा 46% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। वहीं 9% लोगों ने महंगाई, 14% लोगों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी और 9% लोगों ने भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बताया। आपको एक बार फिर बता दें कि ये सर्वे एबीपी न्यूज और सी वोटर की तरफ से किया गया है। न्यूज तक ब्यूरो।